हाय दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप घर पर ही बीज प्रिपेयर कर सकते हैं। ये मैंने पालक लगाया हुआ था ये, और जब इसमें कुछ समय के बाद इसमें ये इस तरह से कोपल फूट जाती है, तो ये इसके बीज आने लग जाते हैं यहाँ पर इसमें ये, और फिर ये इस तरह से बड़े हुए और ये इसके बीज कम से कम 3-4 मंथ बाद इसमें इस तरह से बीज आ जाते हैं। ये मैंने इनको तोड़ा नहीं है और इनको छोड़ दिया ताकि ये बड़े होते रहे और इनसे मुझे बीज प्राप्त हो। तो मैं इनको आज निकाल रहा हूँ। मैं इसे इस तरह से इनको काट लेता हूँ। काट लिया, और ये मैंने पहले से यहाँ काट रखे हैं। ये पालक के हैं और ये प्याज के बीज हैं जिनको हम कलौंजी बोलते हैं। तो इनको अभी सूखने के लिए मैं छोड़ देता हूँ, ये कुछ समय के लिए सूख जाएंगे। इसके बाद इन्हें फिर से हम लगा सकते हैं। निकाल लेता हूँ, इनको इनको 1-2 दिन सुखाने के बाद इनको तोड़ लेंगे और इनको फिर से लगाने के लिए तैयार कर लेंगे।